ये रॉकेट इंसानों को मंगल ग्रह तक लेकर जाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी स्पेस ट्रैवल के भविष्य के बारे में सोचा है? शायद आपको इस बात से हैरानी हो, लेकिन वर्तमान में हम एक ऐसे रोमांचक युग की ओर बढ़ रहे हैं जब ब्रह्मांड के कोने कोने तक पहुंचना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, जिसको हकीकत में बदलने के लिए स्पेसएक्स जैसी कंपनीज आगे से लीड कर रही हैं। वास्तव में ये सोच एक विजनरी एंटरप्रेन्योर एलन मस्क के दिमाग की उपज है, जिनकी कंपनी स्पेसएक्स ने अपने रेवोल्यूशनरी अप्रोच के साथ एरोस्पेस इंडस्ट्री में एक लहर पैदा कर दी है, जहां उनका मकसद जीवन को मल्टीप्लेनेटरी बनाना है और दूसरे ग्रहों पर ह्यूमन कॉलोनीज को स्थापित करना है। एलन मस्क के इस लक्ष्य की शुरुआत मार्स से होती है, जो काफी चैलेंजिंग है, लेकिन एलन मस्क कुछ ऐसे ही चैलेंजिंग गोल्स के लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। तो आइए एलन मस्क के इस एम्बिशियस प्लान के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, एलन मस्क के इस एम्बिशियस प्लान के सेंटर में है स्टारशिप। स्टारशिप स्पेसएक्स द्वारा डेवलप किया जा रहा सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। ये स्पेस में उड़ान भरने वाला सबसे भारी, सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली स्पेस लॉन्च व्हीकल है। स्टारशिप पूरी तरह से रीयूजेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और 100 से अधिक लोगों को मार्स पर ले जाने की क्षमता रखता है, जिसमें प्रोपेलेंट टैंक वाले स्पेसक्राफ्ट और मैसिव पेलोड कंपार्टमेंट शामिल है। इसी के साथ ही स्टारशिप में सुपर हैवी रॉकेट भी शामिल है, जो लगभग 33 राप्टर इंजन द्वारा संचालित होता है, जो कम से कम 100 टन का पेलोड आसानी से उठा सकता है। हालांकि स्टारशिप को अभी मार्स मिशन के तहत डेवलप किया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ मार्स के लिए नहीं है। स्टारशिप एक वर्सटाइल व्हीकल होगा, जिसका प्रयोग नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत भी किया जा सकता है, जो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने, रोबोटिक साइंस मिशन को संचालित करने और स्पेस टूरिज्म को सुविधाजनक बनाने के साथ साथ पृथ्वी पर हाई स्पीड जर्नी को सक्षम बनाने के काम भी आ सकता है। इससे आप स्टारशिप की इम्पोर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरह स्पेसएक्स के इस स्टारशिप के साथ स्पेस ट्रेवल का भविष्य काफी उज्जवल और पहले से बेहद करीब नजर आ रहा है। लेकिन स्पेस ट्रैवल के भविष्य में आगे बढ़ने से पहले एक बार हमें इसके अतीत को अच्छे से समझना होगा। तो चलिए स्पेसएक्स के शुरुआती चरण में चलते हैं। दोस्तों, 21वीं सदी के शुरुआती दिनों में एलन मस्क के दिमाग में एक विचार आया, एक ऐसा भविष्यवादी विचार जिसने स्पेस ट्रैवल से जुड़ी अनेकों संभावनाओं को जन्म दिया, जिसमें माना गया कि इंसान सिर्फ पृथ्वी तक सीमित रहने वाला जीव नहीं है, बल्कि ये एक मल्टीप्लेनेटरी स्पीसीज है। एलन मस्क का ये भविष्यवादी विचार एक बोल्ड और एम्बिशियस ड्रीम में बदल गया और यहीं से पड़ी स्पेस एक्स की नींव। एलन मस्क किसी भी कीमत पर अपने सपने को पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी स्पेस एक्स के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी बदलाव लाने का लक्ष्य बनाया, जहां उन्होंने अंतिम लक्ष्य स्पेस ट्रैवल को सस्ता और सामान्य बनाना था। अपने शुरुआती दिनों में स्पेस एक्स ने नए रॉकेट इंजन और अन्य एरोस्पेस पार्ट्स के निर्माण और परीक्षण में अपना ध्यान केंद्रित किया। ये सभी शुरुआती प्रोजेक्ट्स स्पेसएक्स के भविष्य की नींव रखने में सहायक सिद्ध हुए। इसी के माध्यम से उन्होंने ये भी बताया कि कम खर्चे में अच्छे क्वालिटी के एरोस्पेस पार्ट्स बनाई जा सकते हैं, जहां पर रीयूजेबल पार्ट्स को विकसित करना उनकी सबसे महत्वपूर्ण प्रगतियों में से एक थी। स्पेसएक्स से पहले सिंगल यूज रॉकेट्स बनाए जाते थे। लॉन्च होने या पृथ्वी पर लौटने के बाद ज्यादातर रॉकेट्स या तो ओशंस में समा जाते थे या फिर किसी टापू पर गिरकर बिखर जाते थे, जिसके बाद उनका दोबारा कोई भी यूज नहीं किया जा सकता था, जो कि एक महंगी और बेकार प्रक्रिया थी। लेकिन स्पेसएक्स ने पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लौटने वाले और वर्टिकली लैंड करने वाले रॉकेट्स को विकसित करके पूरा खेल ही बदल दिया, यानी कि अब रॉकेट्स को दोबारा यूज करके नए रॉकेट्स के निर्माण का खर्चा बचाया जा सकता था और एक रॉकेट को प्रत्येक मिशन पर भेजा जा सकता था। ये उपलब्धि न सिर्फ स्पेसएक्स के लिए बल्कि पूरी स्पेस इंडस्ट्री के लिए लाभदायक साबित हुई। अपनी इस उपलब्धि के माध्यम से स्पेसएक्स ने ये भी बताया कि स्पेस ट्रैवल को सस्ता और सुगम बनाया जा सकता है। इस बात ने स्पेस टूरिज्म से लेकर इंटरप्लेनेटरी कॉलोनाइजेशन तक की संभावनाओं का विस्तार कर दिया था। अपनी इन्हीं शुरुआती उपलब्धियों के कारण स्पेसएक्स आज एरोस्पेस व्हीकल और पार्ट्स का एक सफल लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। स्पेसएक्स की ये उपलब्धि एलन मस्क के उसी सपने का परिणाम थी, जो उन्होंने स्पेस ट्रैवल के भविष्य को लेकर देखा था। आज जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, तब हमारे मन में सिर्फ यही सवाल उठता है कि आखिर स्पेसएक्स स्पेस ट्रैवल की दुनिया में अब और कौन कौन से इनक्रेडिबल एडवांसमेंट्स को जोड़ सकता है।
इस बात का जवाब हमें स्पेसएक्स द्वारा बनाई जा रही स्टारशिप नामक उस एडवांस स्पेसक्राफ्ट में मिलता है। तो आइए अब एक नज़र स्टारशिप पर डालते हैं। दोस्तों, ये वो पल था जब एलन मस्क के विजनरी लीडरशिप में स्पेसएक्स ने स्पेस ट्रेवल की दिशा में एक और क्रांतिकारी छलांग लगाई, जब उन्होंने स्टारशिप को 100 टन वजनी पेलोड का भार उठाने के लिए बनाया था। 400 फीट लंबा और 5000 टन वजनी स्टारशिप इतिहास का सबसे लंबा रॉकेट था, लेकिन उसमें अभी और सुधार की जरूरत थी, जिसके लिए इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की डेडिकेटेड टीम के एक कंबाइंड एफर्ट की जरूरत थी, जो अपने अथक प्रयास से सामने आने वाले टेक्निकल चैलेंजेस पर काबू पा सके। टू स्टेज टू ऑर्बिट रॉकेट वैज्ञानिकों के उसी अथक प्रयास का परिणाम था, जो पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील से बना था, वो मटेरियल जो स्पेस ट्रेवल के हार्श कंडीशंस में भी अपनी ड्यूरेबिलिटी रेजिस्टेंस के लिए जाना जाता है। स्टारशिप रैप्टर इंजन्स द्वारा संचालित किया जाता है, जो कि 2.2 मेगा न्यूटन के प्रभावशाली बल को उत्पन्न कर सकता है। इसके ऊपर लगा सुपर हैवी बूस्टर 70 मीटर लंबा होता है। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट खुद 50 मीटर लंबा है, जो कि इसे काफी भव्य बनाता है। वहीं सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल रॉकेट लगभग 33 रैप्टर इंजन्स द्वारा संचालित किया जाता है, जिसे स्टारशिप को पृथ्वी के निचले ऑर्बिट में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन स्टारशिप की बनावट इसके आकार और शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि इसके दोबारा प्रयोग में लाने के बारे में है। स्टारशिप की स्पेशल क्वालिटी स्पेस मिशंस में आने वाले खर्चों को कम कर देती है, जो स्पेस ट्रेवल को ज्यादा सहज और टिकाऊ बनाती है। स्टारशिप को पूरी तरह से दोबारा प्रयोग करने के लिए बनाया गया है, जिसमें पृथ्वी पर वापस लैंड करने की पूरी क्षमता होती है, जो एटमॉस्फेयर में लौटते वक्त 60 डिग्री एंगल में प्रवेश करता है। स्टारशिप के अंदर 18 मीटर ऊंचे और 9 मीटर के डायमीटर वाले पेलोड फेयरिंग्स मौजूद होते हैं, जो इसे लार्जेस्ट यूजेबल पेलोड वॉल्यूम की श्रेणी में रखता है। ये सभी बातें स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए अनेकों संभावनाओं के द्वार खोल देती है। स्पेस ट्रेवल के दौरान हर कठोर परिस्थिति का सामना करने के लिए बनाया गया स्टारशिप मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक अनोखा चमत्कार है। इनोवेटिव डिजाइन और स्ट्रक्चर वाला ये ग्राउंड ब्रेकिंग स्पेसक्राफ्ट स्पेस ट्रेवल में एक नए युग का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारे जीवन को मल्टीप्लेनेटरी बनाने के एक कदम को आगे ले जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये विशालकाय अंतरिक्ष यान इंसानों को मार्स पर कैसे ले जाएगा, जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताया था। तो आपको बता दें कि एलन मस्क का ये स्टारशिप सिर्फ एक रॉकेट नहीं है, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका प्रयोग बार बार किया जा सकता है, जिसका निर्माण ही सैकड़ों लोगों को मार्स पर ले जाने के लिए किया गया है। ये एस्ट्रोनॉट से भरे हुए किसी सामान्य रॉकेट की तरह नहीं है, ये एक विशालकाय इंटरस्टेलर क्रूज लाइनर है, जिसमें एलन मस्क ने 40 कैबिन्स को इंस्टॉल करने का प्लान बनाया है, जिसके माध्यम से मार्स की यात्रा को और भी ज्यादा सुविधाजनक बनाया जा सकता है। मार्स यानी कि मंगल ग्रह तक पहुंचने में महीनों का समय लग सकता है, इसीलिए उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए स्टारशिप का निर्माण किया गया है। मंगल ग्रह की यात्रा किसी रोड ट्रिप की तरह नहीं होगी, जहां पर हम अपनी सुविधा के अनुसार सफर को बीच में कहीं भी रोक सकें। स्पेस में कोई गैस या फ्यूल स्टेशन नहीं होते, जिसके चलते हमें बीच में कहीं रुकना पड़े। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे स्टारशिप मार्स के इतने लंबे सफर को तय कर सकता है। इस सवाल का सही जवाब पार्किंग ऑर्बिट में प्रोपेलेंट के साथ स्टारशिप को रिफ्यूल करने के एक सिंपल से कॉन्सेप्ट में छिपा हुआ है। अगर सरल शब्दों में कहें तो लॉन्च होने और लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचने के बाद स्टारशिप कुछ देर तक इंतजार करता है, तभी प्रोपेलेंट से भरा एक और स्टारशिप पृथ्वी से उड़ान भरता है, जिसके बाद ये फ्यूल टैंकर इंतजार कर रहे स्टारशिप को फ्यूल ट्रांसफर कर देता है। इस प्रक्रिया को जरूरत पड़ने पर बार बार तक दोहराया जा सकता है, जब तक स्टारशिप मार्स तक न पहुंच जाए। इस गेम चेंजिंग मेथड को साइंटिफिक टर्म्स में इन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग कहा जाता है, जो स्टारशिप को हैवी पेलोड या फिर ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स का भार उठाने की अनुमति देता है। अब क्योंकि धरती से मंगल तक के एक लंबे सफर के लिए स्टारशिप उतना फ्यूल एक बार में नहीं लेकर जा सकता, इसीलिए इस इन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग की जरूरत होती है। स्टारशिप को पुनः प्रयोग की दृष्टि से इसलिए बनाया गया है ताकि ये पृथ्वी पर पुनः आकर रिफ्यूल होकर लौट सके। ये प्रक्रिया मंगल ग्रह पर ह्यूमन कॉलोनी बनाने के सपने को साकार कर सकती है। स्पेसएक्स जिस प्रकार से स्टारशिप को नई तकनीकों के साथ डेवलप कर रहा है, उसने मंगल यात्रा को हमारे और करीब ला दिया है। लेकिन जैसा हमने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताया कि स्टारशिप को अभी भले ही मार्स मिशन के तहत डेवलप किया जा रहा हो, लेकिन ये सिर्फ मार्स के लिए नहीं है,
तो फिर स्टारशिप को लेकर भविष्य के लिए और कौन कौन सी तैयारियां हैं? आपको बता दें कि स्टारशिप स्पेस ट्रेवल की दुनिया में एक से ज्यादा डोमेन में काम आ सकता है। ये न सिर्फ मार्स बल्कि मानवों को अंतरिक्ष के उस कोने में भी पहुंचाने की काबिलियत रखता है जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। इसका निर्माण रेड प्लैनेट के साथ साथ उसके आगे के मिशंस को ध्यान में रखते हुए भी किया गया है। स्टारशिप का निर्माण मल्टीपल सैटेलाइट्स का भार एक साथ उठाने के उद्देश्य से भी किया गया है, जो बार बार भेजे जाने वाले अनेकों सैटेलाइट मिशंस के खर्चे को भी बचा सकता है। यही नहीं, स्टारशिप रोबोटिक साइंस मिशंस में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। स्टारशिप एक ऐसा स्पेशल स्पेसक्राफ्ट है जिसका निर्माण पूरी तरह से भविष्य को देखते हुए अनेकों वैज्ञानिक उपलब्धियों को पाने के लिए किया गया है, जो आने वाले समय में अनेकों एडवांस साइंटिफिक रिसर्च और स्पेस एक्सप्लोरेशन के रास्तों को खोल सकता है। यही नहीं, ये अपने अधिक भार उठाने की क्षमता और बार बार यूज आने वाले फीचर्स के साथ स्पेस टूरिज्म में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इसमें लगने वाले 40 कैबिन्स इसकी यात्रा को एक विशाल रूप देने के साथ साथ भविष्य के स्पेस टूरिस्ट के लिए एक रोमांचक अनुभव की तरह हो सकते हैं। लेकिन केवल स्पेस वो आखिरी सीमा नहीं है जिसे जीतने के लिए स्टारशिप को बनाया गया है। वास्तव में एलन मस्क इस स्पेसक्राफ्ट को लेकर एक और दृष्टिकोण रखते हैं, जिसका मकसद इसके माध्यम से पृथ्वी की हाई स्पीड जर्नी को अंजाम देना है। यानी कि आने वाले समय में इंसान स्टारशिप के माध्यम से केवल एक घंटे में पूरी पृथ्वी का चक्कर काट सकेंगे। इसके अलावा स्टारशिप नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। 2017 में शुरू किए गए नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का उद्देश्य इंसानों को चांद पर वापस लाना और एक परमानेंट ल्यूनर प्रेजेंस स्थापित करना है। प्रोग्राम का नाम ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो की जुड़वा बहन के नाम पर रखा गया है, जो अपोलो मिशन की लेगेसी को आगे बढ़ाने के अपने लक्ष्य पर जोर देता है। आर्टेमिस प्रोग्राम में मिशंस की एक सीरीज शामिल है जिसमें स्टारशिप की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। अब क्योंकि स्पेसएक्स का स्टारशिप पूरी तरह से रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट है, इसीलिए ये आर्टेमिस प्रोग्राम को एक नया आयाम दिला सकता है। वास्तव में स्टारशिप कई प्रकार के मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें क्रूड स्पेस ट्रेवल, ल्यूनर एंड मार्स एक्सप्लोरेशन और सैटेलाइट लॉन्चेस शामिल हैं। अपने स्टेनलेस स्टील निर्माण और इनोवेटिव हीट शील्ड के साथ स्टारशिप का लक्ष्य इंसान और कार्गो दोनों को सोलर सिस्टम के डेस्टिनेशंस तक लेकर जाना है। इस स्पेसक्राफ्ट का मुख्य उद्देश्य वर्सेटाइल होना, लार्ज क्रूज को अकोमोडेट करना और विभिन्न स्पेस एक्सप्लोरेशन से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होना है। स्पेसएक्स के एम्बिशियस विजन के हिस्से के रूप में स्टारशिप स्पेस ट्रेवल को अधिक सुलभ और टिकाऊ बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है, जो पूरी तरह से इंटरप्लेनेटरी ट्रांसपोर्टेशन और एलन मस्क के अंतरिक्ष से जुड़े सपने में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो स्टारशिप स्पेस ट्रेवल का भविष्य है। बाकी आप इसके विषय में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर कर दीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।